वेलकम बैक टू एडिस्ट चैनल जूनियर्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। जादवपुर यूनिवर्सिटीज का लॉयर ब्रांचेस से आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रखो। जादवपुर यूनिवर्सिटी का लॉयर ब्रांचेस नॉर्मल स्टूडेंट्स अफोर्ड ना करो। जादवपुर यूनिवर्सिटी का आईटी सेक्टर का एलिजिबिलिटी लेकर जितने भी सारे मिस गाइडेंस यूट्यूब पर फैला रखा है, ये सब का ये आज आंसर है एंड रिप्लाई का ये वीडियो है। तो ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करना है तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर, वहीं पर आपको व्हाट्सएप एक ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल लिंक, इंस्टाग्राम के साथ साथ सभी सोशल मीडियाज का लिंक मिल जाएगा मुझसे कॉन्टैक्ट करने का। तो चलो फिर आज का जो टॉपिक है उसको चलते हैं। एट फर्स्ट यहाँ पर जो बातें हो रही है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का लॉयर ब्रांचेस से आप एक्सपेक्टेशन ना रखो, जादवपुर यूनिवर्सिटी का लॉयर ब्रांचेस से आप ना एक्सपेक्टेशन रखो, तो इसका ही एट फर्स्ट हम रिप्लाई देंगे। तो देखो, जादवपुर यूनिवर्सिटी का लॉयर ब्रांचेस से भी आप ऐसा ऐसा आईटी सेक्टर में हाइस्ट पैकेज एंड इसके साथ साथ अगर आप एवरेज 6-7-8 LPA एंड 9 LPA TN इसका ही आसपास अगर आप एवरेज पैकेज देखते हो, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का जैसा कोई और प्राइवेट कॉलेजेस एंड ऐसा भी बहुत सारा गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी का लॉयर ब्रांचेस हो या फिर किसी भी ब्रांचेस से आप जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी से आप आईटी सेक्टर क्रैक कर सकते हो। आपका ब्रांच मैटर नहीं करता है आईटी सेक्टर में, एट फर्स्ट इसको ध्यान में रख लो। अगर आप गूगल, अमेजन, ऐसा ऐसा MNCs कंपनी पर भी बैठना चाहते हो, तो आप अगर नॉन सर्किटल ब्रांच से बिलोंग करते हो एंड आप अगर आप लॉयर ब्रांचेस से बिलोंग करते हो, तो आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट दे दो एंड अगर आप टॉप 50 या फिर अच्छा रैंक और रिजल्ट कर लेते हो स्क्रीनिंग टेस्ट में, जादवपुर यूनिवर्सिटी का अंदर जो होता है थर्ड ईयर के लास्ट में आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होने का पहले, वहाँ पर अगर आप अच्छा खासा रिजल्ट कर लेते हो तो आपको टॉप MNCs कंपनीज पर भी बैठने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप टॉप MNCs कंपनीज में बैठना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपका जो कोडिंग वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को दिखा दिया कि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी का किसी ब्रांच से बहुत सारा आईटी कंपनीज क्रैक कर सकते हो एंड ऑन कैंपस पर क्रैक कर सकते हो, जो अदर्स किसी प्राइवेट कॉलेजेस पर ऑन कैंपस नहीं रहता है, इसको एट फर्स्ट ध्यान में रख लो, ठीक है। इसके बाद हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि नॉर्मल स्टूडेंट्स डोंट अफोर्ड जादवपुर यूनिवर्सिटीज लॉयर ब्रांचेस, इसका जो रिप्लाई होना चाहिए कि देखो कोई स्टूडेंट्स पहले से ही सुपर नहीं हो जाता है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी पर आने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने का भी मिलेगा कि आप बहुत कुछ में एक्सपर्ट हो जाओगे, तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान मत हो। इसके बाद आते हैं आईटी सेक्टर का एलिजिबल, जो आपको CGPA मेंटेन सब जो बोल रहे हो। तो देखो, अगर आप कोडिंग पर इंटरेस्टेड हो, अगर आपको कोडिंग अच्छा लगता है, अगर आपका कोडिंग पैशन है एंड आप आईटी सेक्टर में जॉब लेना चाहते हो अच्छा खासा हो सकते या फिर एवरेज एक जॉब लेना चाहते हो, तो आपको डालने का कोई बात नहीं है CGPA को लेकर। आप बस पास तो कर सकते हो ना एग्जाम पर, तो आप अगर नॉर्मली पास कर लेते हो तो आपका ऐसे ही CGPA मेंटेन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आईटी सेक्टर कंपनीज में बैठने के लिए दो एक कंपनीज हो सकते हैं कि आपको अलाउ ना करें, बट इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड गूगल, अमेजन, ऐसा ऐसा जो कंपनीज आता है आपको यहाँ पर जो ऑफर करते हैं वो सिर्फ स्किल देखता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख लेना। यहाँ पर और एक हम रिप्लाई देना चाहते हैं कि आप लोग बोल रहे हो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का ये सब लॉयर ब्रांचेस से अगर आप 15 LPA, 30 LPA, 40 LPA का एंड ऑन क्लोड का अगर आप मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो ये आप गलत कर रहे हो, आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखो। तो देखो, तो फिर क्या वो प्राइवेट कॉलेज का CSCIT या फिर अदर्स गवर्नमेंट कॉलेज का CSCIT पर जाके ऑन कैंपस पर क्या उसको ये सब ऑफर मिल जाएगा? अरे फिर भी तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो लॉयर ब्रांचेस है यहाँ पर आपको ऑन कैंपस पर एक ऑफर दिया जाएगा कि अगर आपका कोडिंग मतलब एकदम स्ट्रांग है तो फिर आप ओबियसली क्रैक कर सकते हो। जो आप अदर्स गवर्नमेंट या फिर जो आपका प्राइवेट कॉलेज का CSCIT है वहाँ पर भी आप ऑन कैंपस पर क्रैक नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज आपको इतना ज़्यादा ऑफर नहीं करता है जो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी का लॉयर ब्रांचेस को ऑफर करता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी का डाउट मैं इस वीडियो का थ्रू क्लियर कर पाया। एंड जो लोग ये सब डाटा फैला रहा है एंड जो लोग ऐसा ऐसा डाटा बोल रहा है कि CGPA मेंटेन, हाँ CGPA मेंटेन तब करना होता है जब आप कोर कंपनीज पर जब आप बैठने जाओगे तब आपको CGPA मेंटेन करना होता है। 7.58 और 7+ SGPA ये सब कुछ आपको CGPA मेंटेन करना पड़ता है जब आप कोर कंपनीज पर बैठने जाओगे। बट कोर कंपनीज में आपको जो आपका पैकेज वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का टेंडेंस ये रहता है कि कोडिंग में प्लेसमेंट लें या फिर कंसल्टेंट एनालिस्ट ये सब कंपनीज पर प्लेसमेंट लें। तो यहाँ पर और एक बात है कि जो बोल रहा है कि 8 CGPA मेंटेन करना चाहिए, उसको क्या 8 CGPA का मतलब पता है? अरे 8 CGPA मतलब टॉपर हो गए आप। अरे ये प्राइवेट कॉलेज नहीं कि प्राइवेट कॉलेज के जैसा 8 CGPA 9 CGPA दे दे, और आपको ऑफलाइन एग्जाम भी है, तो सोच समझ के कुछ बात करो। एंड अगर आपको CGPA मेंटेन करना है तो फिर आपको मालूम हो जाना चाहिए वो आपका
जो कोर कंपनीज होता है वहाँ पर ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, एंड आप मेरा प्लेलिस्ट पर जाके अलग अलग डिपार्टमेंट का डिटेल्स भी आपको मालूम हो जाएगा कि कितना का पैकेज जाता है एंड हाइस्ट पैकेज, ये सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। प्रिंटिंग का कोर में इस साल 50 LPA से ज़्यादा पैकेज मिला है। कॉन्स्ट्रक्शन से आपको 12 LPA का आसपास आपको जो है हाइस्ट पैकेज देखने को मिलेगा। सिविल से आपको IT सेक्टर में आपको जो है 20 LPA प्लस, प्रोडक्शन में भी आपको जो है 20 LPA प्लस। तो ऐसा जो ये सब ऑन कैंपस पर हुआ है, एंड आप सभी को मालूम है कि लॉयर ब्रांच जो प्रोडक्शन आप बोल रहे हो वहाँ से आपको ऑफ कैंपस पर 1.4 crore का पैकेज मिला है। और यहाँ पर जो ऑन कैंपस 20 LPA, 50 LPA, हाँ ऑन कैंपस पर ही हुआ है। जो आप बोल रहे थे कि ये सबको नहीं मिलता है, हाँ सबको नहीं मिलता है, बट जिसको कोडिंग लवर हो जो लोग उसको तो जरूर मिलेगा। बट एवरेज अगर आप कर लेते हो कोडिंग तो आपको एवरेज एक प्लेसमेंट मिल जाता है 6-7-8 LPA का, जो आपको अदर्स किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलता है। जहां पर मास रिक्रूटर्स कंपनीज से विजिट करते हैं प्राइवेट कॉलेज में, वहां पर आपको 2.83 LPA ये सब कुछ पैकेज दे देता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि ऐसे ही तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके आपको एक जो है रिटर्न मिल रहा है? बट ये रिटर्न भी आप जहां पर पोस्टिंग के लिए जाओगे वहां पर आपका ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाएगा, तो आपके पास कितना रुपीज बचा ला एट लास्ट। तो ऐसे ही आपको और भी बहुत सारा रिप्लाई अगर चाहिए तो ऐसे ही वीडियो काटते रहो, मैं आप सभी का रिप्लाई दे दूंगा। तो ये जो मैं वीडियो किया आप सभी के साथ शेयर किया, ये आप सभी को एक गाइड करने के लिए किया, बस और कुछ नहीं। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज को थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।